नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत, ये नाम जब भी हम लेते हैं हम उन्हें जरूर याद करते हैं। 7 महीने का वक्त बीत चुका है लेकिन अब भी सीबीआई ने कुछ भी खुलासा नहीं किया है, जिसके बाद उनके फैंस काफी ज्यादा मायूस है। कुछ दिनों पहले ही सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन भी था। जी हाँ, उनके परिवार वाले बुरी तरीके से टूट चुके हैं। उनके जन्मदिन पर उनके परिवार वालों ने जितना उन्हें मिस किया, उनके पिता ने भी उन्हें उतना ही मिस किया। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता को जब ये पता चला था कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो चुका है, उनके पिता बुरी तरीके से टूट गए थे, कुछ बोल तक नहीं पा रहे थे। वहीं दूसरे ही दिन वो अपने बेटे से मिलने भी गए थे मुंबई। जी हाँ, वहीं पे उन्होंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी किया था। जी हाँ, आप खुद सोचिए, एक पिता के लिए कितना मुश्किल रहा होगा अपने जवान बेटे का अंतिम संस्कार करना। जी हाँ, बचपन से ही सुशांत अपने पिता के काफी करीब रहे हैं। माँ के गुजर जाने के बाद उनके पिता ही उनका सहारा थे। अपने पिता को लेकर उन्होंने कई इंटरव्यूज में कई सारी बातें कही, अपने पिता को बहुत मानते थे। वहीं उनके पिता ने भी उनको हमेशा सपोर्ट किया है, आगे बढ़कर सपोर्ट किया है। आज हम आपको इस रिपोर्ट में सुशांत के पिता से जुड़ी कुछ अनकही बातें बताने वाले हैं कि कैसे रिश्ते थे सुशांत के उनके पिता के साथ। जी हाँ, बचपन में आखिर सुशांत कैसे थे, उनके पिता ने उनका ख्याल कैसे रखा, ये सारी बातें हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि सुशांत के पिता सुशांत से बहुत प्यार करते थे। सुशांत के जाने के बाद सुशांत के पिता बुरी तरीके से टूट गए थे। जी हाँ, जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा है, जी हाँ, उनके पिता का बुरा हाल हो गया। आप सबको पता है कि सुशांत पटना के रहने वाले थे। जी हाँ, उनके निधन से कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी माँ के नाम एक भावुक पोस्ट भी लिखा था। माँ की तस्वीर के साथ इंस्टाग्राम पर लिखी गई पोस्ट में राजपूत ने लिखा था कि आंसुओं के विक्षिप्त धुंधला अतीत, खत्म ना होने वाले सपने मुस्कुराहट का एक हिस्सा उकेर रहे हैं और एक छन भुंगर जीवन दोनों के बीच सामंजस्य बनाता हुआ। बता दें कि सुशांत अपनी माँ के काफ़ी करीब थे। उनकी माँ का निधन साल 2002 में हो गया था। माँ के निधन के बाद सुशांत बुरी तरीके से टूट गए थे और ये वो साल था जब उनका परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। जी हाँ, सुशांत के पिता सरकारी अफसर रहे हैं। इसके अलावा उनके परिवार में 4 बहनें हैं। जी हाँ, बेटे के मौत के बाद पिता सदमे में हैं। जी हाँ, आखिरी बार सुशांत ने पिता से फ़ोन पर बात की थी और कहा था कि पापा मैं ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत करो, कोरोना में आप भी अच्छे से घर में रहो, मैं कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी हो सके आपसे मिलने आता हूँ, बस आप अपना ख्याल रखो और आराम से रहो। ये बातें सुशांत ने अपने पिता के सिंह से शनिवार की शाम में कही थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सपना बस कुछ पलों का है और रविवार की सुबह बेटे की निधन की खबर उन्हें सुनाई देगी। जी हाँ, सुशांत की एक बहन के पति उनके जीजा ओपी सिंह हरियाणा में आईपीएस अधिकारी हैं, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के पद पर तैनात ओपी सिंह मुख्यमंत्री कार्यालय में सलाहकार भी हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत आखिरी बार घर पटना 11 मई 2019 में गए थे। जी हाँ, वह काफ़ी दिन बाद बिहार गए थे, जहाँ पर उन्होंने अपने पुराने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ काफ़ी यादें ताज़ा भी की थी। जी हाँ, वो अपने पिता के काफ़ी करीब थे, कई बार अपने पिता से वो बात भी करते थे, अपनी चीज़ें भी अपने पिता को बताया करते थे। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत के पिता के सिंह ने एक इंटरव्यू भी दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि कैसे बड़ी मन्नतों के बाद सुशांत का जन्म हुआ था। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत के पिता ने कहा था कि सुशांत का जन्म 4 लड़कियों के बाद हुआ था। उन्होंने उनके जन्म से पहले बहुत प्रार्थना की थी। के सिंह ने बताया था कि सुशांत किस हाल से गुजर रहे हैं, इसके बारे में उनसे बात करते थे, मगर निधन के कुछ वक्त पहले इस संबंध में कोई बात नहीं हो पाई थी। सुशांत के पिता
अपने इंटरव्यू में अंकिता लोखंडे के बारे में बताया था कि सुशांत की महिला दोस्तों में वो सिर्फ उन्हीं को जानते हैं। मुंबई में तो उनसे मुलाकात हुई ही थी, वो पटना वाले घर भी आई थी। अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत की मुलाकात पवित्र रिश्ता के सेट पर हुई थी और दोनों काफ़ी वक्त तक साथ रहे थे। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता आज भी सुशांत को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं। वो बुरी तरीके से टूट गए हैं जब से उनका बेटा उन्हें छोड़कर गया है। अभी हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के पिता की सर्जरी भी हुई थी, जिसके बाद वो पटना लौट चुके हैं। अभी फ़िलहाल वो दिल्ली में थे और उन्होंने अपनी सर्जरी भी करवाई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत के पिता आज भी सुशांत को काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं। जी हाँ, जब सुशांत का निधन हुआ तो उनके पिता ने अकेले इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। जी हाँ, आपको बता दें कि वो अकेले मुंबई गए और काफ़ी सारे सबूत उन्होंने इकट्ठा किए और फिर बिहार पुलिस में उन्होंने FIR भी दर्ज करवाई। जी हाँ, FIR उन्होंने रिया चक्रवर्ती को लेकर दर्ज करवाई कि रिया चक्रवर्ती ही थी जो सुशांत सिंह राजपूत को जहर देती थी। जी हाँ, इस तरह के स्टेटमेंट खुद सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने दिए हैं। जी हाँ, ये एक पिता की गुहार है कि वो अपने बेटे के लिए आज भी इंसाफ मांग रहे हैं। आपको बता दें कि सुशांत के पिता ने कई स्टेटमेंट्स दिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर साफ साफ ये इल्ज़ाम लगाए थे कि रिया चक्रवर्ती ही सुशांत सिंह राजपूत की हत्यारिन है। कई सारी चीज़ें उन्होंने इस इंटरव्यू में कहे थे। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि कैसे रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को जहर पिलाती थी और वही सुशांत सिंह राजपूत की हत्यारिन भी है। जी हाँ, ये सारे खुलासे खुद KK सिंह ने किए थे, जिसके बाद बिहार पुलिस काफ़ी ज़्यादा सख्ते में आ गई थी और बिहार पुलिस खुद मुंबई गई थी। इस पूरे केस को उन्होंने हैंडल किया था, लेकिन उसके बाद ही इस केस को CBI को हैंडओवर कर दिया गया और अब CBI ही इसकी जांच कर रही है, जिसके बाद कुछ भी अब भी सामने नहीं आ पाया है। हर कोई जानना चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ उस रात आखिर क्या हुआ था। जी हाँ, उनका परिवार जानना चाहता है, उनके पिता जानना चाहते हैं और कई स्टेटमेंट्स इसी को लेकर उनके पिता ने अब तक दिए हैं। जी हाँ, तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपको बता दें कि आज भी सुशांत सिंह राजपूत के पिता इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। वो आज भी चाहते हैं कि उनके बेटे को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। जी हाँ, अपने बेटे के लिए उन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। हर कोई चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत को जल्द इंसाफ मिले। आपका क्या कहना है इस पर? आप क्या चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।